तो मैंने यहाँ पर न्यूज वीडियो भी एडिट किया है, इसका टाइमलाइन कुछ इस तरीके से है। इसमें बहुत सारे वीडियो फुटेज मैंने इस कंप्यूटर से डिलीट कर दिया। तक प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ कि यदि आप दोस्तों यहाँ पर मेरे पास है मिनी पीसी डेल का, और इसका इमेज मैंने फ़ोटो मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था और कम्युनिटी भी यूट्यूब पर मैंने पोस्ट किया था, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि भाई आपने इस मिनी पीसी को किस लिए लिया है और इस पर क्या क्या हो सकता है, एडिटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कोई अपने दुकान के लिए लेना चाहते हैं, तो क्या इसका मतलब स्पेसिफिकेशन है और क्या उतना लोड या संभाल पाएगा जिस तरीके से इसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाला हूं, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिलहाल इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो मेरे पास वेरियंट है यह 16 GB रैम के साथ आता है, 512 GB SSD के साथ, और इसमें विंडोज़ 11 प्रो पड़ा हुआ है। और इसके बहुत सारे वेरिएंट आपको मिल जाएंगे, 8 GB रैम वाला भी वेरिएंट आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, और इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या गूगल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें है। लेकिन बात आती है प्रैक्टिकल की, क्या सच में उतना यह लोड संभाल पाएगा जितना इसमें स्पेसिफिकेशन दिया गया है, क्या मुझे एडिटिंग के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इसमें गेमिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और ट्रेडिंग के लिए क्या सही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं पहले अपना बता देता हूँ, जो यह मेरे पास मिनी पीसी है इसको मैंने लिया था एडिटिंग के लिए, और यह मुझे पड़ा था लगभग 11,500 रुपये के आसपास। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, मुझे याद नहीं है। और जब मैंने इसको बाय किया था तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इस पर आप वीडियो बनाइए, लेकिन मैं बिजी था, इसको यूज़ नहीं किया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था कि इस पर क्या ही मैं वीडियो बनाऊँ। तो फाइनली मैंने इसको यूज किया है, और इसको मैंने लिया था एडिटिंग के लिए, और एडिटिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया हुआ है, फिल्मोरा है, दाविंची है, और फोटोशॉप और कैपकट। मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज करता हूँ इस मिनी पीसी से, तो एक्सपीरियंस मैं बता देता हूँ, यदि आप दाविंची रिजॉल्व या प्रीमियम प्रो यूज करने की सोच रहे हैं इसमें, तो आप 1080p वीडियो एडिट कर सकते हैं, थोड़ा सा लैग आएगा तो, लेकिन प्रॉक्सी आप जनरेट करके आप इससे एडिट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको 4K वीडियो एडिट करना है तो आप दाविंची या प्रीमियर प्रो पर एडिट नहीं कर पाओगे इससे, और यदि 4K वीडियो एडिट ही करना है तो आप कैपकट, फिल्मोरा जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप इससे यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप कंप्यूटर में एडिटिंग नहीं किया है, आपको सीखना है, तो मैं रिकमेंड कर सकता हूं कि आप इसको ले लीजिए। यदि आपको 4K वीडियो एडिट करना है तो आप कैपकट एप्लीकेशन पर एडिट करिए या फिल्मोरा में एडिट करिए, और दाविंची और प्रीमियर प्रो इनमें से कोई एप्लीकेशन आपको सीखना है तो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपको अच्छे से आ जाए तो फिर बाद में अपना सिस्टम अपग्रेड कर सकते हो, यदि आपको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। यदि आपके पास बजट है तो आप अपग्रेड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका टारगेट यही है कि मुझे 4K वीडियो एडिट करना है तो आप इस पर 4K वीडियो एडिट नहीं कर सकते हैं। यदि आपको 4K वीडियो एडिट करना है तो आप इससे हैवी सिस्टम लीजिए, तो फिर वही बात आएगी कि पैसा बढ़ जाएगा। तो आप इसको लीजिए, डेफिनेटली लीजिए। यदि आप यूट्यूब का वीडियो एडिट करते हैं, रील एडिट करते हैं, तो आराम से आप इस पर एडिट कर सकते हैं। मैंने भी कैपकट एप्लीकेशन पर मैंने म्यूजिक वीडियो एडिट किया है, न्यूज़ वीडियो एडिट किया है, अपने यूट्यूब चैनल का वीडियो एडिट किया है, आराम से एडिट हो जाता है। लेकिन यदि आप 4K वीडियो को लगाओगे तो कैपकट में भी जब आप 4-5 लेयर लगाने के बाद उस पर इफ़ेक्ट वगैरह लगाओगे तो थोड़ा सा लैग आता है, लेकिन प्रॉक्सी जनरेट करके आराम से आप इस पर एडिटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको पोर्ट्स और जितने भी दिया गया है सब कुछ आपको दूसरे वीडियो में पता चल जाएगा। मैं और इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बताने वाला हूँ कि यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं, गेमिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, गेमिंग में यह लैग करेगा। यदि आप एडिटिंग के लिए लेना चाहते हैं, बेसिक एडिटिंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, सीखने के लिए ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका टारगेट यही है कि मुझे 4K वीडियो एडिट करना है, बहुत हाई क्वालिटी में वीडियो एडिट करना है, तो मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। यदि आप सीखने के लिए ले रहे हैं तो डेफिनेटली इसको ले सकते हैं, बिल्कुल आराम से आप इस पर वीडियो एडिट कर पाओगे 1080p का।
और यदि आपको 4K वीडियो एडिट करना है तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको प्रॉक्सी जनरेट करके कैपकट या फिल्मोरा में एडिट करना होगा। अभी तक मैं अपना प्रोजेक्ट भी अभी दिखा देता हूँ कि जो मैंने म्यूजिक वीडियो एडिट किया था, न्यूज वीडियो एडिट किया था, उसका टाइमलाइन कैसा है। और यहाँ पर आपको मिनी पीसी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। यह डेल ऑप्टिप्लेक्स 7040 मेरे पास है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो वाईफाई रिसीवर है, ये वाईफाई रिसीवर है। इसमें जो वाईफाई इनबिल्ड आप ड्राइवर इंस्टॉल करके बहुत सारे लैपटॉप में, मतलब आपके जो नए मॉडल के लैपटॉप और कंप्यूटर आते हैं उसमें इनबिल्ड ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है और आप मोबाइल से या वाईफाई के जरिए अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में। लेकिन इस कंप्यूटर में यदि आपको इंटरनेट चलाना है तो इस ड्राइवर को आपको लगाना पड़ेगा, जो कि इसके साथ ही मिला था। बस इसको किसी भी पिन में लगा देना है, मतलब जो USB पिन है आप किसी भी पिन में इस तरीके से लगा दीजिए और आपका यहाँ पर ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। और इसके बाद आप हॉटस्पॉट ऑन करके या फिर मोबाइल या वाईफाई के जरिए आप इसमें इंटरनेट यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास यह नहीं रहेगा जो डोंगल आता है तो आप इसमें इंटरनेट यूज नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से इसके पीछे भी पोर्ट्स दिया गया है और इसी तरीके से इसमें डिस्प्ले पोर्ट और 4-5 USB पोर्ट भी दिया गया है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं बस सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला था कि यदि आप लेना चाहते हैं एडिटिंग के पर्पस से तो आप ले सकते हैं, आपका काम, बेसिक काम चल जाएगा, एडवांस लेवल का काम नहीं चल पाएगा। चलिए मैं यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैपकट एप्लीकेशन कैसा चलता है। और कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो दावेंची रिजॉल्व है यह बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। इस पर मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट एडिट होते हैं, मूवी भी एडिट होता है तो इसमें चल जाता है। मतलब 1080p वीडियो मैं डाल करके सीखने के लिए मैं सीख रहा हूँ। यदि आप इस पर 1080p वीडियो एडिट करने की सोचेंगे दावेंची रिजॉल्व में तो लैग आएगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बस सीखने के लिए ले रहे हैं तो ठीक है, ले लीजिए। यदि आपको एडिट करना है तो कैपकट या फिल्मोरा एप्लीकेशन में एडिट करिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कैपकट एप्लीकेशन का थोड़ा सा इंटरफेस। तो मैंने यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन को ऑन कर दिया है। कितनी देर में ऑन होता है आप खुद देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ऑन हो चुका है, मतलब 5 से 6 सेकेंड लगता है कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करने में। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत सारे इस पर वीडियो एडिट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो एडिट किया है और यहाँ पर म्यूजिक वीडियो भी मैंने एडिट किया है। यहाँ पर लोड हो रहा है, जो मैंने टाइमलाइन लिया था यह लोड हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा क्लिप इसका, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका टाइमलाइन है। और इसको मैंने इसी कैपकट एप्लीकेशन पर ही इस म्यूजिक वीडियो को एडिट किया था। और इसके बाद मैंने न्यूज वीडियो भी एडिट किया था, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर न्यूज वीडियो भी एडिट किया है। इसका टाइमलाइन कुछ इस तरीके से है। इसमें बहुत सारे वीडियो फुटेज मैंने इस कंप्यूटर से डिलीट कर दिया था, इसलिए जो मीडिया नॉट फाउंड लिख रहा है इसलिए दिखा रहा है। तो बेसिकली ओवरऑल आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसका कैसा टाइमलाइन दिखेगा, मतलब आप कितना इस पर हैवी टाइमलाइन दे सकते हो इस मिनी पीसी पर। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरीके का वीडियो एडिट करना चाहते हैं। मतलब आप कोई कॉमेडी वीडियो शूट करना चाहते हैं या फनी वीडियो शूट करते हैं, टेक वीडियो शूट करते हैं, तो आप आराम से इस पर एडिट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन यदि आप 4K वीडियो टारगेट करते हैं कि मुझे 4K वीडियो ही एडिट करना है तो आप इसको मत लीजिएगा, मैं यही रिकमेंड करूँगा। यदि आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या फिर इसके इनबिल्ड कुछ फंक्शन है इसके बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप अपने काम के हिसाब से कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या मैं इस काम को इस पे कर सकता हूं कि नहीं, यदि आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम पर आपको 100% आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और यदि ऐसा कोई वीडियो आया, मतलब ऐसा कोई टॉपिक यदि आया तो मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो भी बना दूंगा। और एक प्रॉब्लम मैं बता देता हूं कि यदि आप मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्ट करके, मतलब वाईफाई कनेक्ट करेंगे यहां पर, तो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चलता है। लेकिन आप USB टीथरिंग के जरिए, मतलब चार्जिंग का जो केबल होता है उसके जरिए आप इसमें इंटरनेट चलाएंगे तो बहुत फास्ट चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और मुझे लगता है इसका जो ये डोंगल है, इस डोंगल के कारण इसमें वाईफाई का थोड़ा सा सिग्नल लो आता है। मैं भी हो सकता है कि इस समय यहाँ मेरे घर पे
सिग्नल थोड़ा सा वीक है, इसलिए भी हो सकता है। लेकिन यदि आप केबल लगा करके इसमें इंटरनेट यूज करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आप VPN का यूज करके, जैसा कि आप देख सकते हैं कैपकट इंडिया में बैन है, तो मैं VPN का यूज करके इस कैपकट एप्लीकेशन को यूज करता हूँ, आप यूज कर सकते हैं। इस पर भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि यदि आप यूज करते हैं कैपकट एप्लीकेशन को तो VPN कौन सा यूज करना है, और यदि लोड होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या दिक्कत आता है। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जब यूज किया था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था कि किस तरीके से इसको यूज करना है, तो मतलब सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन यदि आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे पहले कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।